देख रहे हैं झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ का वादा है कि सबसे पहले हर खबर सबसे पहले आप तक। मैं हूं आपका मेज़बान फहीम सजाद। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बिजली के बिलों ने आवाम पर फिर एक बार बिजली गिरा दी। गवर्नमेंट ने मजीद 2 रुपये यूनिट महंगा करने का फैसला। वासा की एक और नाकामी, रोड टूट फूट का शिकार। नैब के अफसरान होने लगे बेनकाब। कराची में KFC और फूड पांडा के दरमियान हुई लड़ाई। देख रहे हैं झोंक टीवी वसेब दी आवाज। झोंक टीवी का आपसे वादा है कि हर खबर सबसे पहले आप तक। मैं हूं आपका मेजबान फहीम सजाद। चौक कुम्हारा वाला वासा की एक और नाकामी की वजह से रोड टूट फूट का शिकार, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जी नाजरीन, तो देख सकते हैं चौक को बाहर आने देते वासा की वजह करके रोड त्रुट फुट का शिकार है, और रोड बनावन वाले जो ठेकेदार हैं वो भी लगता है कहीं पास सुम गए। ये तो देख सकते हैं कि कितने की मुश्किलात का सामना है लोगों को, शहरियों को। कई गलियां फंसिया पई हैं, उत्थों निकलन का रस्ता कहीं नहीं, क्योंकि मेन रोड लाहौर रोड है जरा चौक को बाहर आने, तो लाहौर वाली साइड रहा पे। लेकिन हकूमत सुकून के सुती पई है और इदारे कोई भी इदारा जगह का एक्शन नहीं गिंदा पिया। ये नाजरीन देख सकते हो सारी टीवी स्क्रीन के उ तमाम मनाजर नजर आते पे सन कि लोगों को कितने की मुश्किलात का सामना है। कि ये नाजरीन तमाम मनाजर चौक को बहना ले ऊँ जगह दे जड़ा कि रोड है एक अरसा दराज तू हर 3-4 महीने तो बाद रोड को त्रोड़ दिता वेंद, लेकिन वाल बनावन वास्ते साल साल इंतजार करना पौधा है। शहरियों को आवाम को इंतहाई परेशानी का सामने। हालांकि गटर भी खुले हैं, अगर ये गटर के अंदर कोई शख्स ढह सकता है, कोई मौत भी वाक्य थी सकती है। लोगों को इंतहाई मुश्किल का सामना है। नाजरीन तमाम नाजर तुसा ये देख सकते हो सारे टीवी स्क्रीन दे उत्ते। मुफ्ती अब्दुल कवी का आए दिन एक नया स्कैंडल आवाम के सामने आता है। जिनका काम इस्लाम और दीन की तबलीग करना है, अगर उनका यही काम होगा तो आम आदमी की सोच पर क्या असर पड़ेगा। और उनके चचा का कहना था कि इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। जब कभी आलम दीन से गलती होती है तो उसके ख़ानदान वाले कहते हैं इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। जी नाजरीन, ने मनाजर तो देख सकते हुए कि मुफ्ती कवि साहब को एक सोशल मीडिया दी ऊँ खवातीन दे कोल थप्पड़ पाउंदे पैन, जिन्हां दा काम आई हज़रत मुहम्मद मुसल्लम अलैहि वसल्लम दे इस्लाम और दीन दी तबलीग करना। लेकिन वो लोग अज क्या करेंदे पैन, ये तुसा देख सकते हुए सारे टीवी स्क्रीन दे उत्ते तुहानू सामने नज़र आउंदा। ऐसे नाम नियात मौलविया ने इस्लाम दियाँ धजियाँ उड़ा दी हैं, और ऐसे लोगों का इस्लाम दे विच हुक्म दिता गया कि ऐसे लोगों को संसार कर दिता वजे कि जेडे इस्लाम वास्ते दीन वास्ते दबाव। शामिल करते हैं कराची से रिपोर्टर लाला मोहम्मद अली। KFC बैरियर टाउन फेज 7 और फूड पांडा के हमले के दरमियान हुई लड़ाई, जिससे रोड ब्लॉक किया गया और आवाम को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ा। जी नाजरीन, ए मनाजरन कराची दे फूड पांडा और KFC दे मुलाजमीन ने आपस में लड़ाई की थी, और इस तरीके दी लड़ाई थी कि लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना थिया। ये तुसा देख सकते हो टीवी स्क्रीन पे तमाम मनाजर के लड़ाई इवें लगती है कि पता नहीं कितने एक जम्मे गफीर है इन लड़ाई दे विच, और इन लड़ाई दे नाल इंतहाई शहरियों को मुश्किलात का सामना थिया। नाजरीन तमाम मनाजर तुसा टीवी स्क्रीन पे देखदे पावे, कराची फूड पांडा और KFC दे मुलाजमीन दे दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई सामने आई, और इतना तुसा देख सकते हो कि पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित थी। किसी किस्म का कोई भी सकूं मुलाजमीन नज़र नहीं आते पे लड़ाई। शामिल करते हैं रावलपिंडी से रिपोर्टर खावर अयूब। नायब रावलपिंडी के अफसर राजा मुजफ्फर खवातीन से नाजायज आमदन के असासों की तफ्तीश के दौरान पकड़े गए, उसके बाद शुमैला बलोच ने खूब थप्पड़ों से मारा। जी नाजरीन, ने तुसा देख सकते हो कि नायब दे अफसरान दा चेहरा बेनकाब किस तरीके नल कीता एक लड़की ने, और किस तरीके उनको ठुड्डे खड़ी मरेंदी है, थप्पड़ खड़ी मरेंदी है, और किवें माफिया मंगदा पिए। नाजरीन ये तुसा देख सकते हो टीवी स्क्रीन के उत्ते तमाम मनाजिर। और नाजरीन हकूमत ने जिस इदारे को लोगों के तहफ़ वास्ते बनाया है, और उनकी बदमाशी देखो कि किस तरीके दे नाल ओ लोगों दे नाल बदमाशी करेंदा पे, और नायब दा एक अफिसर एक खवातीन दे कोल कीवें माफिया मंगदा पे। इसकी मेरे नाल तुसने इसने घर भेजा पाई सी, इसमें क्या है कि मिकी बंदे ब्लैकमेल करने, फुफो मिकी मिलने ताने, मैं तुसने सामने माड़ी गल सुनो, माड़ी गल सुनो, मैं तुसा की गल पाई सी, इसकी गल पाई सी तुसने सामने, अगर तुसा की जान होन तो माड़े घर, मैं इसने फुफो है, माड़ी धी है,
ਮਾੜੀ ਧੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਦਲਾਲ ਸਮਝਣੇ ਹੋ ਦਲਾਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਲਾਲ ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਫੁੱਫੀ ਸਗੀ ਫੁੱਫੀ ਬੇੜਾ ਬਈ ਮਾੜੀ ਰੜਤ ਕੀ ਲਲਕਾਰੀ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕਹਾ ਇਸ ਮੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੈਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਬਜਾਰ ਸਮ ਇਹ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਸ ਸਾਰੀ 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 ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਫ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆਸਫ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਸਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਸਫ ਬੁੰਡ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲਾ ਆਸਫ ਕੀ ਬਲਾਸਾਂ ਆਸਫ ਕੀ ਬਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤ ਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਨਾ ਇਹ ਮਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੈਂ ਇਨਾ ਪਿੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਾ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਉ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੱਲ ਧੀ ਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲਾਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋ ਨੇ ਪਟਾ ਕਲਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਤਜਦ ਕਰਨਾ ਸਾਇ ਤੂੰ ਹਜ ਕਰਨਾ ਸਾਇ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਜਰੀ ਹੈ ਉਤਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਮਿਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਮੈਂ ਟਿਪ ਟਪ ਹੋਈ ਬਾਲ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਮਾ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵਾ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਮੈਂ ਮਦਦ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਆਲੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਨਾ ਅਸ਼ਨਾ ਬਸ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਸਤ ਇਹ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨਾ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਸਰ ਕਿ ਲੋ ਮੈਂ ਤਰਪੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਮਾਰਾ ਸੇ ਭੈਣ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਓਏ छोड़ी फोन मारा मैं ਆਸਫ ਅਸ਼ਨਾ ਲਿਆ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਰੇਟਾ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਅਸ਼ਨਾ ਪਿਆ ਸ਼ਮੈਲਾ ਇੱਧਰ ਚਾਹ